गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन का जो सीबीटी 2 हुआ था फ्रेंड्स, उसकी न्यूज़ अपडेट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी को वेट है कि उसकी आंसर कीज़ की डेट या फिर आंसर कीज़ और आपका रिजल्ट की डेट कब तक आएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आंसर कीज़ पहले आएंगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन करेंगे और आपका फिर उसके बाद इन दी एंड आपका रियल आंसर कीज़ आती हैं और आपका फिर रिजल्ट आएगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जितने भी टेक्नीशियन हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जितने भी ईएलपी हैं उनके लिए साइको टेस्ट होने वाला है, ये सभी को पता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, बता दूं, देखिए आपको पहले कन्फर्म करना है कि आपकी आंसर की जब आएंगी उस पर ऑब्जेक्शन और आपकी आंसर की इसमें कितने नंबर बनने हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और फ्रेंड, देखिए न्यूज़ अपडेट देखने वाले हैं आज की मॉर्निंग की, सुबह की जो न्यूज़ है उसको देखेंगे और कितना डेट रहेगी रिजल्ट की, आंसर की कब तक आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड, देखिए मैं कभी कोई वीडियो स्टार्ट करता तो बताता हूँ, अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आरआरबी जेई आ रहा है या फिर एसएससी जेई है या फिर हरियाणा जेई है या फिर भावा जेई है, तो फ्रेंड ये तीनों एग्जाम आए हुए हैं जेई के लिए है और बी बीटेक जो है सब लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कर दीजिएगा, 31 तारीख की लास्ट डेट है लगभग सभी की। तो फ्रेंड्स आज 30 तारीख है, लास्ट है 31, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और सारी की सारी वीडियोज़ जो है टेक्निकल वीडियोज़ हो, जीके हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, वो सभी वीडियोज़ आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे। अनअकैडमी की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ से जाकर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ से जाकर आप जीके हो, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और टेक्निकल की वीडियोस भी आप देख सकते हैं और प्लस उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं तो मैं आपको टॉप 500 प्लस जीके जीएस का कोर्स और आरआरबी जेई के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं लेता हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे आपको कराता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, हम नोटिफिकेशन भी देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं, तो किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं, तो होते हैं शनि के चारों ओर एक छल्ले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर के आधार पर काम करता है, किसके आधार पर काम करता है, फेराडे चुंबकीय, फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम जो है उस पर ये कार्य करता है, फेराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन के उस पर ये लॉ पर काम करता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस वायुमंडल में नहीं मिलती है, कौन सी नहीं मिलती, रिडॉन नहीं मिलती, क्रिप्टॉन नहीं मिलती, आर्गन और जीरोन, तो ये रिडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं मिलती, मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, फेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, फिनॉल का उपयोग किस में किया जाता है बताना है आपको, बेकेलाइट में, पॉलिस्टीरिन में या फिर नायलॉन में या पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में, तो फ्रेंड ये आपको नहीं मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, ये उपयोग उपयोग करने के लिए किसमें किया जाता है, वेकलाइट में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे, आईसी चिप जो होती हैं, आईसी चिप्स आर यूजली मेड ऑफ, मतलब आईसी चिप जो होती हैं जो आपके फ़ोन्स में, मोबाइल्स में, आपके कंप्यूटर्स में लगी रहती हैं, तो वह आमतौर पर किसकी बनी होती हैं, लेड की बनी होती है, क्रोमियम की, सिलिकॉन की या सोने की, तो ये बनी होती हैं आपकी सिलिकॉन की। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, टॉप 500 प्लस जीके जीएस कोर्स या आरआरबी जेई का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया और क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए वन इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 रिजल्ट टू बी अनाउंस सून। तो चेक करने के लिए आपको देखिए फ्रेंड्स बता दो, देखिए कब की न्यूज़ है ये बता देता हूँ मैं आपको, ये न्यूज़ जो है वो है 30 जनवरी 2019 की और ये सुबह की है, 9:41 की जो इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड देखिएगा, लिखा हुआ है न्यू दिल्ली से इन्फॉर्मेशन, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी विल सून अनाउंस द रिजल्ट ऑफ आरआरबी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2, द कैंडिडेट हु अपीयर द आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 विल बी अवेल टू चेक देयर रिजल्ट एंड रिस्पेक्टिव रीजन ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए मैं बता दूं आपको, जो लोको पायलट और टेक्नीशियन है, पहले तो बता दूं देखिए क्या है, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोको पायलट और ये जो है आपका ईएलपी में, देखिए पहली बात तो ईएलपी वालों को से मेरी रिक्वेस्ट है वो तैयार रहे, अगर उनका एग्जाम निकलता है तो वो साइको टेस्ट जो है वो देना होगा, ठीक है, क्या देना होगा, साइको टेस्ट देना होगा, साइको टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, साइको टेस्ट के लिए वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो साइको टेस्ट की वीडियो जो है आपको आज आपको 8 से 9 बजे तक मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा उसको देखना है मुझे, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, अगर रिजल्ट आता है तो साइको टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और
देखिए आई और टेक्नीशियन वाले जो हैं वो टेक्नीशियन वालों से भी मेरा कहना है, मतलब है टेक्नीशियन वालों का, देखिए उनका रिजल्ट जैसे ही आएगा या फिर आंसर की जाएंगी तो आंसर की चेक कीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट चेक कीजिए। और फ्रेंड्स प्लस आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने, डॉक्यूमेंट मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो ओरिजिनल प्लस उनकी फोटोकॉपी और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उनके एस सी एस टी वाले हैं जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको क्या करना है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। विद इन 7 डेज में रिप्लेस हो जाता है, पुराना अगर आपके पास है तो वो 7 डेज में रिप्लेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं लगता है, ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर अपनी तहसील में तहसीलदार से किसी भी कहेंगे तो वहाँ से आकर आपको विद इन 7 डेज में आ जाएगा। और जब भी इनकम सर्टिफिकेट है अगर नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर है तो उनके लिए भी बता दूँ, देखिए उनके लिए भी जो है वो जो सर्टिफिकेट है वो बनाने के रखना चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ओके आप PWD कैंडिडेट हैं और आप फिजिकल हैंडीकैप जो हैं PH कैंडिडेट हैं तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल विद उनकी फोटोकॉपी और एक्स सर्विसमैन जो है डिस्चार्ज और जो उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था वो दोनों सर्टिफिकेट होंगे, PWD क्या होगा और PH का जो जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लगाना होगा। तो फ्रेंड आई थिंक ये जो रिजल्ट, देखिए मैं आपको आंसर कीज की रिजल्ट बताऊँ, देखिए आंसर कीज हमने अभी बताई नहीं है कि आंसर कीज जो होंगी वो कब तक आएंगी, ठीक है। तो आंसर कीज की जो डेट रहेगी वो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपका आंसर कीज आएगा, ओके। और रिजल्ट की बता दूँ, देखिए रिजल्ट जो रहेगा क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट देने वाली है, देखिए ग्रुप डी का आप देखिए बता दूँ RRB ग्रुप डी भी है, ओके और RRB RPF भी चल रहा है, क्या चल रहा है RPF भी चल रहा है, ठीक है। तो ये दो एग्ज़ाम जो है ग्रुप डी का भी है उनके पास, RPF का भी है। तो सबसे पहले वो RRB ELP का जो है वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लेकिन रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च में, कब आएगा मार्च में आएगा, ठीक है। और साइको टेस्ट वगैरह है उसकी डेट वो होगी एक्सटेंड होगी, क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद जो है तैयारी होगी, इनका रिजल्ट भी आएगा और तैयारी होगी किसकी, RRB जाएगी। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा आपका अप्रैल से पहले, ओके अप्रैल से पहले आपका जो साइको टेस्ट वगैरह है वो होगा, ओके अप्रैल के बाद नहीं होगा, अप्रैल से पहले होगा, यानी कि मतलब आपका आंसर की जो आएंगी वो आ जाएंगी आपकी फरवरी में, कब आ जाएंगी फरवरी में, फेब में आ जाएंगी, फेब में आ जाएंगी, मतलब कि फेब में 5 से 6 तारीख तक आ जाएंगी, मतलब 7 दिन के समथिंग आपको 7 से 8 दिन के बाद जो आंसर की से वो आ जाएंगी। और रिजल्ट जो है वो आपका मार्च में आएगा, कब आएगा मार्च में आएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, और लोको पायलट वालों को मेरा कहना है कि लोको पायलट जो भी है जो भी ELP वाले हैं उनको साइको टेस्ट की तैयारी करना चाहिए। तो फ्रेंड आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी आपको। तो फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन आपको देख रहे हैं वो क्वेश्चन भी अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर टॉप 500 प्लस GKGS कोर्स या फिर RRB JEE का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डली हुई वो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा, जितना शेयर करेंगे उतना अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि बहुत लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा या फिर कल आएगा, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, लेकिन 3 से 4, 5 से 7 दिन मैक्सिमम 7 दिन लगने वाले हैं, अगर हम 1 तारीख से भी देखें तो 7 तारीख को जो है आपका आंसर की आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, 7 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है बताना है आपको, तो कार्य होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है, तो दूध प्रोटीन जो है कुछ एंजाइम के कारण पचाया जाता है बताना है, पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा या एरिसिन के द्वारा, तो रेनिन के द्वारा ये प्रोटीन जो है पचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एमिनो एसिड किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है प्रोटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8-9 देखेंगे, मोटर वाहनों में पीछे दृश्य जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो वाई कॉनकैप यानी कि उत्तर, या फिर समतल यानी प्लेन, यानी कौन या फिर अवतल दर्पण, तो ये यूज किया जाता है कॉन्वेक्स, कौन सा उत्तल लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दाद किसके कारण होने वाली एक बीमारी है, तो दाद है फंगस के कारण यानी कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मनुष्य द्वारा आमतौर पर पेशाब में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन होता है सी, कौन सा सी विटामिन होता है। कागज को ब्लोटिन करके, क्या ब्लोटिन करके स्याही के अवशोषण के शामिल होता है, में शामिल होता है, तो कौन शामिल होता है, तो इसका आंसर है कैपिलर एक्शन फिनोमिना, कैशल क्रिया जो होती है वो घटना होती है, ठीक है, इसकी घटना होती है।
तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, आपको 8 से 9 बजे तक एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें साइको टेस्ट की मैं बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन, उसे देख लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद वो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है आप शेयर कर सकें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।